लालू प्रसाद यादव दुनिया का सबसे बड़ा बेशर्म आदमी है। और इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री था तब यह जानवरों का चारा खा गया, जब रेल मंत्री बना तो लोगों की जमीन खा गया। और इतना ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बनने के लिए इसने कई लोगों की हत्या करवाई। लालू प्रसाद यादव दुनिया का सबसे बड़ा हत्यारा है और लालू प्रसाद यादव ने 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की जिंदगी खराब कर दी। आखिर पूरा मामला क्या है, पूरा मामला इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। अरे हाँ भैया, बताइए बताइए, क्वेश्चन क्वेश्चन बात बोल रहे हैं। लालू यादव हत्यारा है, आप वीडियो देखिए, पहले वीडियो देखिए क्या क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब, हाँ, मेरा नाम है शौर्य और आप देख रहे हैं 10 एस्क्रिएशन। वीडियो मामला बताइए नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल इस रिपोर्ट में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि किस तरह आनंद मोहन के कारण लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की दोस्ती में बहुत बड़ी दरार आ चुकी है और महागठबंधन सरकार कभी भी गिर सकती है। लालू और नीतीश दोनों डाल डाल और पात पात चल रहे हैं एक दूसरे को। कैसे आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के सामने में कहते हैं कि ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जबकि अंदर खाने क्या चल रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा हत्यारा है, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़ा बेशर्म आदमी है। उसने जानवरों का चारा खा लिया और जब रेल मंत्री बना तो लोगों की जमीनें खा गया। वह दरअसल यादव है ही नहीं, वह तो गरेरी जाति से ताल्लुक रखता है। और दरअसल अरे भैया, हम मानते हैं कि आप मनीष कश्यप के डाय हार्ट फैन हैं, हम मानते हैं कि आप मनीष कश्यप के समर्थक, हम मानते हैं कि आप मनीष कश्यप के लिए जान देने को तैयार हैं। लेकिन क्या मनीष कश्यप का समर्थक होने के खातिर आप लालू यादव को बोल दीजिएगा हत्यारा है, आप लालू यादव को बोल दीजिएगा कि बेशर्म आदमी है? कैसे ना आदमी है मर्दी, आप कैसे बोल सकते हैं? और ऊपर से तो कह रहे हैं कि लालू यादव यादव ही नहीं है, तो कहती है बावन भुईयार है, कहती है गरेरी जाति का है। सच्चाई है क्या, इस बात पे हमको पता करना होगा जी। लालू यादव यादव जाति का नहीं है तो कौन जाति का है? गरेरी क्या होता है? ओके गूगल, गरेरी क्या होता है और ये यादव अलग अलग होता है क्या? उत्तरावाज का लिख रहा। अच्छा, यादव जाति है लेकिन उसमें गरेरी और अहीर अलग होता है, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब कि ये गरेरी जाति में आते हैं, मतलब जो एक यादव यदुवंशी जो ओरिजिनल यादव होता है वो लालू यादव नहीं है। खैर, हम ये कहाँ भटक गए, यादव गरेरी नहीं, ये मेरा मैटर नहीं, मेरा पॉइंट नहीं। ये भैया बता रहे थे कि लालू यादव हत्यारा है, बेशरम है, पता नहीं कैसे कैसे बोल रहे थे, सुनिए क्या क्या बोल रहे, क्या है बोले। दरअसल ये सारी बातें बिहार के शिवहर से भाजपा भी सांसद रमा देवी ने कही है। और उन्होंने ये भी लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके पति बिरज बिहारी प्रसाद का हत्या करवा दिया तो सिर्फ मुख्यमंत्री। अच्छा, बनने मतलब के लिए भैया ये बात अपना मुंह से नहीं बोल रहे हैं, मतलब इनका अपना बात नहीं है, बोल तो अपने मुंह से रहे हैं लेकिन इनका अपना बात नहीं है। जो जो ये बात बोले कि लालू यादव हत्यारे है, बेशरम आदमी है, काका फलान ठिकान बोले, ये बात रमा देवी बोली है जो भाजपा का सांसद है। इससे बोले हमको लगा कि भैया जो है मनीष कश्यप के समर्थन में एकदम सनक गए हैं, एकदम लालू यादव को रगड़ दिए थे। खैर चलिए, नेता वाला लड़ाई है, ठीक है, आगे आगे। और उन्होंने ये भी लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके पति बिरज बिहारी प्रसाद का हत्या करवा दिया। अच्छा, मतलब रमा देवी के पति को लालू यादव मरवा दिए थे मुख्यमंत्री बनने के लिए? सच बात पता नहीं, बोली है, आरोप लगाई है, गंभीर आरोप है भाई। आपको बताते चले कि शिवहर से बीजेपी की सांसद रमा देवी ने मंगलवार को बहुत बड़ा बयान दिया और रमा देवी ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके पति की हत्या करवा दी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लालू प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री बनने के लिए ना सिर्फ उनके पति की हत्या करवाई बल्कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हत्या लालू प्रसाद यादव ने करवा दी। इतना बड़ा आरोप, लालू यादव ने हत्या करवा दिया मुख्यमंत्री बनने के लिए बहुतों का, सच बात है क्या?
जिनकी हत्या लालू प्रसाद यादव ने करवा दी और लालू प्रसाद यादव लाशों लाश पर कुर्सी लगाकर तब उस गद्दी पर बैठे थे। उन्होंने ये भी कहा कि दरअसल ये लोग पूरा का पूरा बेशर्म है और दुनिया का सबसे बड़ा अगर बेशर्म कोई व्यक्ति है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग रोज घोटाला करते हैं और घोटाला करने के बाद हजारों करोड़ का घोटाला इन लोगों ने किया और सारा पैसा डकार गए। इन लोगों का जीवन बहुत सारा कष्ट में गुजरने वाला है, इनका अंतिम समय काफ़ी भयानक गुजरने वाला है। यानी कि रमा देवी ने एक तरीके से लालू प्रसाद यादव को श्राप देने का काम किया और इसके साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती पर भी करारा हमला बोला। आपको बताते चले कि रमा देवी मंगलवार को यानी कि कल 17 अक्टूबर को पटना के गर्दनी बाग में आयोजित धरना में भाग लेने के लिए पहुंची थी, जहां पर वे संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी और महागठबंधन की सरकार जो है वो बिहार में महाजंगल राज को रिटर्न कर चुकी है, यानी कि इनके शासन काल में महाजंगल राज आ चुका है। वहीं महाजंगल राज आ चुका है, ये आपको पता होगा कि वैशाली जिले के हाजीपुर प्रखंड के अंतर्गत एक सराय थाना क्षेत्र आता है, उसमें पुलिस वाले को ही दो अपराधियों ने गोली मारकर दिन दहाड़े मार्केट बाजार में हत्या कर दी। अब उस अपराधी के अंदर इतनी शक्ति कहां से आई कि उसने पुलिस वाले को गोली से उड़ा दिया? क्या ये जंगल राज नहीं है? हर दिन आप सुनते होंगे कि कहीं इसको गोली मार दिया गया, कहीं उसको गोली मार दिया गया, क्या ये जंगल राज नहीं है? खैर, बताया जा रहा कि जो अपराधियों ने पुलिस को गोली मारा था, पुलिस वालों ने भी उनका एनकाउंटर कर दिया है। चलिए, ये तो अच्छा हुआ, लेकिन कब तक ये अपराधी अपने आप को गुंडों का बाप समझेंगे और ऐसे ही हम जैसे साधारण इंसान की बलि दी जाएगी? ये जंगल राज नहीं है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफी तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति को सम्मान अगर देने का काम भारत देश में अगर किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। उन्होंने ये भी कहा कि महिला का सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हमेशा महिलाओं का अपमान किया है। वहीं सांसद रमा देवी ने ये भी कहा, ये लोग खरबपति बने हुए हैं, शर्म तो लगता नहीं है, जेल जाओ, बेल ले लो और फिर बाहर आ जाओ और फिर थेथरलॉजी बतिया। अरबों खरबों का संपत्ति बनाओ, घोटाला करो, जेल जाओ, फिर बेल लो और फिर थेथरलॉजी करो, क्या बात है। इन्होंने काफी गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि जाति जनगणना में भी 500 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा घोटाला किया गया है। इन्होंने सरकार से सवाल किया कि जब जाति जनगणना में शिक्षकों को लगाया गया था, जिनको कि वेतन मान दिया जाता है, तो आखिर 500 करोड़ रुपया कहाँ गया? क्योंकि जो भी सरकारी कर्मचारी पहले से कार्यरत है, उन लोगों ने ही स्कूटनी का काम किया हो या जाति जनगणना करने का काम किया। मतलब कि जाति जनगणना करने के लिए 500 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया और जो जाति जनगणना किए हैं वो लोग शिक्षक लोग किए हैं, तो सही बात है। अगर शिक्षक लोग को तो पहले से ही पेमेंट मिलता है तो 500 करोड़ रुपया कहाँ गया? मतलब इसे भी कोई घोटाला हुआ होगा। साला बिहार का जनता गरीब से गरीब होते जा रहा है, बिहार की जनता सड़क पे आके सो रहा है और ये नेतवा सब जो है घोटाला पे घोटाला। बताइए, तेजस्वी यादव जी जापान घूमने जा रहे हैं, घूमना चाहिए भाई, अपना मर्जी, किसी को जहां मन घूमे। अरे तेजस्वी यादव जी, आप एक नेता हैं, आपको चुना गया है जापान घूमने के लिए नहीं, बिहार घूमने के लिए। आपको तो बिहार के गांव बस्ती में घूमना चाहिए, लोगों को देखना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, तो आप जापान घूमने जा रहे हैं, क्या नेता लोग आदमी वोट देकर नेता क्यों चुनता है? ताकि वो नेता उसकी हेल्प करे, मदद करे, तो लोग तो यहाँ जापान घूमने निकल रहे हैं। अब क्या बोले हम इसमें? उन्होंने ये भी गंभीर आरोप लगाया कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने 250 करोड़ रुपए बांट लिए। नीतीश जी 250 रख लिए, तेजस्वी जी 250 रख लिए, हो गया जाति जनगणना, अपना मन से डेटा चढ़ा दो, यही हुआ है। और 250 करोड़ रुपए जनता दल यूनाइटेड के कोष में गया, यानी कि उनके अकाउंट में गया, और आधा पैसा 250 करोड़ रुपया राष्ट्रीय जनता दल के अकाउंट में गया, जिनका ये लोग चुनाव जीतने में 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने में ये लोग खर्च करेंगे। वहीं इन्होंने ये भी कहा, चलिए अब रमा देवी जी ने कुछ कहा नहीं कहा, दिस इज
नॉट आवर पॉइंट। आवर पॉइंट इज दिस कि आज 18 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी बिहार आई है। ये आपको ताजा अपडेट दे दे। बिहार में लगभग 3 दिन तक राष्ट्रपति जी रहेंगी। पटना, मोतिहारी और गया, इन 3 जिलों में उनका भ्रमण है। 3 जगहों पर जाएंगे, उनका कार्यक्रम होगा। वहीं आपको बताता चले कि मनीष कश्यप की जो माता जी हैं मधु देवी जी, उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी तो लिखा था, लेकिन शायद वो चिट्ठी लगता है कि हमारे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि माननीय राष्ट्रपति महोदय जी तो आ गई हैं, महोदया जी बिहार तो आ गई हैं, लेकिन मनीष कश्यप को लेकर कोई चर्चा नहीं हुआ। खैर, चलिए आज का अपडेट इतना ही था। कैसे लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ कल। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां शेरावाली, नवरात्र चल रहा है, जय माता, मनीष कश्यप जिंदाबाद, जय बिहार, जय हिंद।